नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पावन नवमी व विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा, पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को दे सर्वोच्च प्राथमिकता। सत्य, धर्म व न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है सदैव विजय। उमंग से मनाए पर्व, कहीं भी उत्पन्न न हो भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने पांव पखारकर मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुंवारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक का भी किया पूजन। आस्था के लहरों पर सवार होकर निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजय शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी पर हुआ पारंपरिक आयोजन। अल्पसंख्यक समाज ने जोरदार स्वागत कर दिया। तुष्टिकरण के राजनीति करने वालों को करारा जवाब। सीएम योगी ने विजयादशमी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, समाज को खोखला बना रही है राक्षसी प्रवृत्तियां। अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं अन्यायी और अत्याचारी ताकतें। कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस, दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में। विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की देता है प्रेरणा। धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले पीठ से जुड़े योगी, संत, पुजारी, पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच लगाया तिलक। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने लगाया तिलक, लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का किया विशिष्ट पूजन अनुष्ठान। करबद्ध होकर श्री नाथ जी और सभी देव विग्रहों की भी की परिक्रमा। बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में भेजकर तेंदुओं के दो बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। पर्यटक कर सकेंगे व्हाइट टाइगर का दीदार। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की पावन नवमी एवं विजयदशमी दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सभी दुर्गा पंडालों, मंदिरों पर सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाए। ऐसा करने से पर्वों की प्रासंगिकता और उत्साह, उमंग कई गुना बढ़ जाता है। मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में वर्ष में दो बार नवरात्र, वासंतिक और शारदीय के पावन पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सम्मान की सर्वोच्च भावना के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुड़ते हैं। नवमी तिथि पर कन्या पूजन की सनातनी परंपरा मातृशक्ति की महत्ता को रेखांकित करती है। यह केवल धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन में भी इसकी महत्ता एवं प्रासंगिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वासंतिक नवरात्र की नवमी तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म से जुड़ी है, तो शारदीय नवरात्र में नवमी के बाद दशमी की तिथि श्री राम के विजयोत्सव से। यह पर्व हमें अहर्निश स्मरण कराता है कि सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। असत्य, अधर्म और अन्याय कभी शाश्वत नहीं हो सकता। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व में दो वर्ष तक कोरोना के चलते आयोजन पर कुछ पाबंदियां रहीं, लेकिन मां भगवती की कृपा से कोई विघ्न नहीं आया। अब सदी की सबसे बड़ी महामारी काफी हद तक नियंत्रण में है और पर्व धूमधाम से सामूहिकता के साथ मनाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी के आयोजन में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयोजनों से जुड़े लोगों को भी इसमें अपनी भागीदारी व जिम्मेदारी निभानी होगी।
पूजा के समितियों के आयोजक व मंदिरों के प्रबंधक स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा समेत सभी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता का भी ध्यान रखें। प्रशासन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी कोई अव्यवस्था, भगदड़ की स्थिति ना हो, किसी की भी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, पर्व का उत्साह उमंग कम ना हो। लोक जीवन में खुशहाली व उमंग कायम होने पर ही सभी लोग विकास से जुड़कर समाज, प्रदेश व देश हित में अपना योगदान दे पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा नौ कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में दो बार बासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहां पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का, सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़ करके वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं, लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं के पूजन के साथ जगतजननी माँ भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम सब के सामने इसको केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित न रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह आज के दिन पर प्रासंगिक भी है। और इसीलिए इस परंपरा को भारतीय मनीषा ने वर्ष में दो बार बासंती नवरात्रि के रूप में और शारदीय नवरात्रि के रूप में महत्व दी है।
वाहन में विजयादशमी का पुण्य पर्व भी प्रारंभ होगा, मुहूर्त प्रारंभ होगा, उसके साथ ही विजयादशमी के कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। स्वाभाविक रूप से वासंतीय नवरात्रि की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन के रूप में सभी धर्मावलंबी मनाता है, तो शारदीय नवरात्रि की नौ दिन की जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के उपरांत दशमी की तिथि विजयादशमी के रूप में धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए धर्म, सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का आयोजन भी आज अपराह्न से प्रारंभ हो जाएगा और कल तक इसका मुहूर्त होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के साथ ही विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्यौहार विगत ढाई वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगत जननी माँ भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्यौहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी, आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहाँ पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहाँ पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो, अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है, और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वह सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का यह पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी तो वे एक सकारात्मक सोच के साथ विकास और निर्माण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर
और विजयादशमी के पावन पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूँ। मातृशक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान गुरुक्षपीठ की परंपरा है, तो इस श्रद्धा भाव की महत्ता को महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए व्यवहारिकता के धरातल पर प्रतिष्ठित करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है। जगत जननी माँ आदि शक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की नौमी तिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन कर अपने ध्येय को और मजबूती दी। मंगलवार सुबह नवरात्र की नवमी पर सीएम योगी ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक नौ कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी उड़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बचुक पूजन भी किया। कन्या पूजन अनुष्ठान में मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री ने मठ के प्रथम तल पर स्थित भोजन कक्ष में श्रद्धा भाव से परंपरागत रूप से नौकुंवारी कन्याओं के बारी बारी पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली, चंदन, दही, अक्षत, दुर्वा का तिलक लगाया, चुनरी उड़ाकर उपहार एवं दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया, आरती उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से अधिक कन्याओं व छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद योगी ने अपने हाथों से परोसा। नौ कन्याओं के अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों को भी श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उपहार व दक्षिणा दिया गया। कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी बाबा का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं व बटुकों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा था। सत्कार और स्नेह के भाव से मुख्यमंत्री ने एक एक कर नौ कन्याओं व बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया। इस दौरान सीएम के हाथों दक्षिणा मिलने से सभी काफी प्रफुल्लित थे। पूजन के बाद भोजन परोसते समय सीएम योगी बच्चों से निरंतर संवाद और ठिठोली भी करते रहे, यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में भोजन प्रसाद की कोई कमी ना रहे। इसे लेकर वह मंदिर की व्यवस्था से जुड़े लोगों को निर्देशित करते रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कन्या पूजन अनुष्ठान करवा चुकी कुंवारी कन्याओं ने कहा, घड़ी घड़ी
श्रीमती गुप्ता है, मैं क्लास सेकेंड ए में पढ़ती हूँ। हाँ महाराज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने मेरे पांव धुले, मुझे खाना खिलाया, मुझे चुनरी और आई, और महाराज जी ने मुझे गिफ्ट दे भी दिया। महाराज जी मेरे बर्थडे में आएंगे, मैंने उनको बोला है कि आप मेरे बर्थडे में जरूर आएंगे। स्मृति पांडे, अच्छा लगा। सत्य न्याय और धर्म की विजय प्रतिष्ठा के पवित्र महापर्व विजयदशमी के अवसर पर मंगलवार शाम गोरक्षपीठाधीश्वर की पारंपरिक विजय शोभा यात्रा आस्था के उमंग तरंग की लहरों पर सवार होकर निकली। शोभा यात्रा में रास्ते भर होती रही पुष्प वर्षा सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने वाले सुगंध बिखेर रही थी। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस शोभा यात्रा का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह से स्वागत कर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया। फूलों से सजे रथ पर गोरखनाथ मंदिर के महंत के पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा की अगुवाई कर रहे गोरक्षपीठाधीश्वर का मुस्लिम और सिंधी समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। पीठाधीश्वर योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, मंगलमय जीवन की कामना की और 9 दिन तक चले नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया। नाथ संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध गोरक्षपीठ के कई अनुष्ठान अद्भुत और विहंगम हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख अनुष्ठान है विजयदशमी की शोभा यात्रा। मंगलवार को इस पावन पर्व पर शाम 4:30 बजे से गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोरक्षनाथ का पूजन कर और उनका आशीर्वाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुली जीप में बने रथ पर सवार हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। नाथ पंथ के विशेष वाद यंत्र नागफनी, तुरही, नगाड़े, डमरू व बैंड बाजे के धुन और हनुमान दल के बालकों के हैरतअंगेज करतब के बीच शोभा यात्रा आगे बढ़े। पूरे रास्ते दोनों किनारे पर श्रद्धा से भाव विभोर लोग गोरक्षपीठाधीश्वर की एक झलक पाने को आतुर नजर आ रहे थे। जैसे ही गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई वाली शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से आगे बढ़ी, मुस्लिम और बुनकर समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष चौधरी कैफुलवरा ने गोरक्षपीठाधीश्वर का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें व उनके समाज के लोगों को गोरखनाथ मंदिर के नवरात्र अनुष्ठान का प्रसाद दिया। अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इस प्रसाद को माथे से लगाकर गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति कृतज्ञता जताई। इस दौरान रास्ते के दोनों तरफ बने मकानों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं व बच्चे अपने स्मार्टफोन में योगी की तस्वीर खींचते रहे। चौधरी कैफुलवरा ने बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ मत मजहब के विभेद से परे सभी को मानव मात्र के नजरिए से देखता है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर का रथ आगे बढ़ा तो निर्माणाधीन श्री झूलेलाल मंदिर के समीप बड़ी संख्या में मौजूद सिंधी समाज के लोगों ने फूल मालाओं से उनका व शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। मानसरोवर मंदिर तक पूरे रास्ते में शोभा यात्रा के स्वागत का सिलसिला चलता रहा। गोरक्षपीठाधीश्वर के स्वागत को लेकर लोगों के उत्साह और उत्सुकता आकाश छू रही थी। जय श्री राम के जय घोष और तमाम वाद्य यंत्रों के धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर योगी की विजय शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंची। यहां गोरक्षपीठाधीश्वर ने गोरक्षपीठ से जुड़े मानसरोवर मंदिर पर देवाधिदेव महादेव व अन्य देव विग्रहों की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की, महादेव का अभिषेक भी किया। सुरक्षा के दृष्टिगत जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, एडीएम सिटी विनीत सिंह, सीआरओ सुशील कुमार गौड़, विधायक विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा,
भैया थोड़ा इधर रहिए, इधर रहिए मनीष भाई, मनीष भाई।
वर्ष के बाद ये गोरक्षपीठ की परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार हर वर्ष की बात ये शोभा यात्रा 9 दिन नवरात्रों के बाद विजयादशमी को निकलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि गोरक्षपीठाधीश्वर भी है इसलिए ये यात्रा का थोड़ा और स्वरूप बढ़ा हो गया है, लोगों में उत्साह है। आज बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये शोभा यात्रा मानसरोवर तक जाएगी और वहाँ मानसरोवर पर जाने के बाद रामलीला मैदान में भगवान राम को राजतिलक के बाद उनके संबोधन के बाद ये शोभा यात्रा समाप्त होगी। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पावन नवमी व विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा, पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को दे सर्वोच्च प्राथमिकता। सत्य, धर्म व न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है सदैव विजय। उमंग से मनाए पर्व, कहीं भी उत्पन्न न हो भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने पांव पखार कर मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुंवारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक का भी किया पूजन। आस्था के लहरों पर सवार होकर निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजय शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी पर हुआ पारंपरिक आयोजन। अल्पसंख्यक समाज ने जोरदार स्वागत कर दिया। तुष्टिकरण के राजनीति करने वालों को करारा जवाब। सीएम योगी ने विजयादशमी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, समाज को खोखला बना रही है राक्षसी प्रवृत्तियां, अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं अन्यायी और अत्याचारी ताकतें, कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस, दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में। विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की देता है प्रेरणा। धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले पीठ से जुड़े योगी, संत, पुजारी, पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच लगाया तिलक। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने लगाया तिलक, लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का किया विशिष्ट पूजन अनुष्ठान। करबद्ध होकर श्री नाथ जी और सभी देव विग्रहों की भी की परिक्रमा। और बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में भेजकर तेंदुओं के दो बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। पर्यटक कर सकेंगे व्हाइट टाइगर का दीदार। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी और अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं, कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस और दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में पैदा होती है। यह सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। यह समाज को खोखला बना रही हैं, अराजकता को बढ़ावा दे रही हैं। यह बातें उन्होंने मंगलवार को विजयदशमी की भव्य शोभा यात्रा के बाद रामलीला मैदान में कही। मानसरोवर मंदिर में पूजन के उपरांत सीएम योगी की शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची। यहां चल रही रामलीला में उन्होंने प्रभु श्री राम का राजतिलक किया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हमें एहसास करा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी कल्याणकारी शासन व्यवस्था का और समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। वह समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ
अपने आप को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को जोड़ता है, तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान राम की पूजा करते हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से एक आदर्श प्रस्तुत किया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मा, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह पर्व और भी महत्व रखता है। हम जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी, यह मौतें आज लगभग 0 के नजदीक आ चुकी हैं। यह चीजें दिखाती हैं कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है, यह सामूहिकता का परिणाम है। एकजुट होकर जब सामूहिक प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन, सभी एकजुट हुए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी बीमारी, जिसे असाध्य मान लिया गया था, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे कि इसे महामारी के रूप में नोटिफाई किया जाए, इसके बाद उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयदशमी का पर्व आता है। हम देवी के 9 रूपों की पूजा करने के बाद विजयदशमी पर्व के साथ जुड़ते हैं। विजयदशमी का पर्व केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृ शक्ति के सम्मान का भी था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था। अंततः उसे प्रभु राम के हाथों मरना पड़ा, यानी मातृ शक्ति के सम्मान का भी विजयदशमी का पर्व प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया। भारत की विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार की विदेशी अपरंपरा या संस्कृति का कोई चिन्ह ना रहे, उसे समाप्त करते हुए अपनी विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनाने में हमें सहयोग देना है। उत्तर भारत में कोई गांव और मोहल्ला नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन ना होता हो। विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जोड़ता है। इस दौरान उन्होंने विजयदशमी पर सबको बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ की परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं एक बार फिर यहां आया हूं। आर्यनगर की यह रामलीला समिति प्रतिवर्ष आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करती है। महाराज जी अब प्रभु श्री राम का तिलक आरती करेंगे। राम 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 राम
कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री रेवती रमण दास जी, महामंत्री श्री पुष्पदंत जैन जी, उपमंत्री श्री राजीव रंजन अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, रामलीला कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि के नौ तिथियों में जगत जननी माँ भगवती के अनुष्ठान के बाद आज हम सबको विजया पर्व पर, विजयादशमी के अवसर पर इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं और विजयादशमी का यह उत्साह और उमंग आपके जीवन में सदैव बना रहे इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं गोरखपीठ की परंपरा का निर्वाह करने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सब जानते हैं कि गोरखपीठ की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन विजयोत्सव और शोभा यात्रा, मानसरोवर में देव विग्रहों का पूजा अर्चना के बाद रामलीला मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राज तिलक के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बनता है और उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए मैं एक बार आपके बीच यहां पर आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आर्य नगर की ये रामलीला समिति प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन के साथ न केवल अपनी विरासत और परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय देती है, बल्कि इस परंपरा का निर्वाह करके वर्तमान पीढ़ी का ज्ञान वर्धन और मनोरंजन दोनों का कार्य करने का कार्य भी करती है। विजयादशमी का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अधर्म, अत्याचार और अन्याय पर विजय का पर्व भी है। ये पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे, विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की नौ तिथियों में जगत जननी मां भगवती के नौ रूपों की पूजा करने के उपरांत विजयादशमी का पर्व आता है। हम देवी के नौ रूपों की पूजा करने के बाद विजयादशमी के पर्व के साथ जुड़ते हैं और विजयादशमी का पर्व भी यह केवल धर्म और सत्य का ही नहीं था, मातृशक्ति के
सम्मान का भी प्रश्न था। रावण अगर माता सीता का अपहरण करके अपनी मौत को नहीं बुलाता तो संभवतः कुछ दिन और जीवित रह सकने का अधिकारी बन सकता था, लेकिन उसके कृत्यों ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था और अंततः रावण को प्रभु राम के हाथों उनकी बांडरी सेना के सहयोग से मरना पड़ा। यानी मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रश्न है और मातृशक्ति के सम्मान का भी ये प्रतीक है विजयादशमी का पर्व, और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में पूरे देश को पंच प्रण के साथ जुड़ने का आह्वान किया। ये पंच प्रण जिसमें भारत के विरासत का सम्मान करना भी है और किसी भी प्रकार के विदेशी अपरंपरा का या संस्कृति का कोई चिन्ह न रहे उसको समाप्त करते हुए अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में ना हो रहा हो। हर जगह होता है, हर साल होता है, लेकिन विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव हर बार हमें इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए, हर बार हमको स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जोड़ने के लिए विवश करता है। और हम न केवल उससे ज्ञानवर्धन करते हैं बल्कि उसे मनोरंजन के रूप में लेकर के भी एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, राम और रावण का युद्ध हर युग में निरंतर चलता है। अन्यायी ताकतें, अत्याचारी ताकतें अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं। कभी अधर्म के रूप में पैदा होती है, कभी रावण के रूप में पैदा होती है, कभी कंस के रूप में पैदा होती है, कभी दुर्योधन के रूप में पैदा होती है, कभी आतंकवाद के रूप में, कभी अलगाववाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी भ्रष्टाचार के रूप में। ये सभी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, ये समाज को खोखला बना रही है, अराजकता को बढ़ावा दे रही है। और विजयादशमी के अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए, गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये पर्व और भी महत्व रखता है। हम सब जानते हैं बीमारी भी एक प्रकार की अव्यवस्था है, अराजकता है, वह भी एक राक्षस है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाया है। मस्तिष्क ज्वर से इस सीजन में आज से 5 साल पहले हजारों मौतें होती थी, अब ये मौत लगभग जीरो के नजदीक आ चुका है, जीरो के नजदीक आ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा प्रयास अच्छी दिशा में चल रहा है। ये सामूहिकता का परिणाम है, सात्विक ताकतें एकजुट होकर के जब सामूहिक प्रयास करेंगे उसका परिणाम भी सात्विक रूप से सामने आएगा। शासन, प्रशासन, आम जनमानस, स्वयंसेवी संगठन सभी एकजुट हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को ईमानदारी के साथ लागू किया गया। 40 वर्षों से हजारों बच्चों की मौत का कारण बनी एक बीमारी
जिसको 40 वर्षों में असाध्य मान लिया गया था, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते थे इसको एक महामारी के रूप में नोटिफाइड किया जाए और उसके बाद इस बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसके तह में जाने का प्रयास नहीं किया गया कि इस बीमारी का कारण क्या है। स्वच्छ भारत मिशन में जब घर घर शौचालय बने, जल जीवन मिशन में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, लोगों को जागरूक किया गया स्वच्छता के प्रति, सैनिटाइजेशन के प्रति, शुद्ध पेयजल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो देखते ही देखते हुए हजारों बच्चे जो प्रतिवर्ष काल कलवित होते थे इंसेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से, आज वे जीवित हैं और आने वाले समय में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने समाज के निर्माण में, अपने राष्ट्र के निर्माण में करेंगे। भाइयो बहनों, हम सबको देखना है, यही मॉडल है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारा जो मॉडल था, इसी को अंगीकार करके हम लोगों ने कोरोना प्रबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में किया और कोरोना प्रबंधन के माध्यम से विगत 2-2.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, आपको लगता नहीं कि कोरोना जैसी महामारी भी एक राक्षस के रूप में आया था, पूरी दुनिया को निकलने के लिए उतावला दिखाई देता था, लेकिन आज कोरोना लगभग लगभग समाप्त हो गया है। कुछ चीजें हैं जिस पर समझने की आवश्यकता है। कोरोना का प्रबंधन उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया, इतनी बड़ी आबादी, 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षित रखने में जन सहभागिता के माध्यम से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेहतरीन प्रयास हुए, आज उसके रिजल्ट भी सबके सामने है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर का वैक्सीन आया 100 साल के बाद, जापान में 1905 में ये वैक्सीन बन गया था, लेकिन भारत और गोरखपुर में पहुंचने में उसे 100 साल लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना का वैक्सीन मात्र 9वें महीने में आपको उपलब्ध करा दिया और वह भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करा। अब तक देश के अंदर 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस लग चुकी है और उत्तर प्रदेश में 38.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी है। किसी भी कल्याणकारी शासन का, व्यवस्थाकार समाज का यह एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ जोड़ता है, राष्ट्र की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा को जोड़ता है, समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को होम करता है और तभी महानता का रास्ता निकलता है। आज हम भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान राम ने अपने आदर्शों से हम सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। हमारे यहां तो कहा गया रामो विग्रहवान धर्म, यानी धर्म की अगर कोई परिभाषा है और उसे अगर किसी एक छोटी सी व्याख्या में उसे सीमित करना हो, एक छोटी सी परिभाषा में सीमित करना हो, तो धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो, वो धर्म के बारे में भगवान राम का चरित्र सब कुछ बता देगा। और इसलिए हम सब प्रतिवर्ष रामलीला के आयोजन में इसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह उमंग के साथ जुड़ करके उसे भव्यता भव्य स्वरूप देते हैं। आप सब ने मौसम विपरीत होने के बावजूद आज इस रामलीला के कार्यक्रम के साथ जुड़े और मुझे बताया गया, यहाँ रामलीला समिति के द्वारा बताया गया कि रामलीला समिति के साथ इस भव्यता के साथ आप जुड़ रहे हैं। बड़ी लोकप्रिय यहाँ पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और बहुत ही इस अवसर पर जब रामलीला कमेटी को अपना भव्य मंच और भव्य प्रांगण भी मिल गया है, आपने देखा होगा कितना सुरक्षित हो गया, कभी इस रामलीला मैदान पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा था,
यहाँ कब्जा करने का भी प्रयास हुआ था, तब जैसे तैसे एक बाउंड्री वॉल खींची थी रामलला समिति ने, और आज इसकी अपनी बाउंड्री हो गई है, भव्य मंच बन चुका है, भव्य तोरण द्वार बन गए हैं, और उसी भव्यता के साथ रामलला कमेटी यहाँ पर रामलला के पात्रों को बुला करके इसका मंचन भी कर रही है। मैं रामलला कमेटी को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का ये भाव वे अनवरत बनाए रखेंगे। आप सब भी जगत जननी माँ भगवती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जगत जननी माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सबको विजयदशमी की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अवसर पर आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। मैं श्री श्री रामलीला समिति की तरफ से आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। विजयदशमी के पावन पर्व पर मंगलवार दोपहर में गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर साधु संतों श्रद्धालुओं ने गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर प्रणाम किया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने भी तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तिलकोत्सव कार्यक्रम में सबसे पहले पीठ से जुड़े योगी संत पुजारी पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाया। नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद तिलक लगाने की बारी गृहस्थ श्रद्धालुओं की थी। सीएम योगी को तिलक लगाकर आशीर्वाद लेने वालों में मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, योगी शांतिनाथ, योगी धर्मेंद्रनाथ, योगी रामनाथ, संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत रविंद्र दास, प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, रमेश सिंह, अधेश सिंह, बंधु उपेंद्र सिंह, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल अतुल वाजपेयी, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह, प्रोफेसर रवि शंकर सिंह, राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, विक्रम चौधरी, पिपराइज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, हनुमान सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में संतजन व श्रद्धालु शामिल रहे। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का विशिष्ट पूजन अनुष्ठान किया। गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए मंगलवार सुबह 9 बजे से विधि विधान पूर्वक श्रीनाथ जी का पूजा आराधना की। इस विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहाँ नवरात्र प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे थे। शक्तिपीठ में वेदी पूजन और उपरांत सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु संतों के साथ संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण व वेद पाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर पहुंचे और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की आरती उतारी। साथ ही मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया। मुख्यमंत्री ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति सागर में हिलोरे ले रहा था।
भारत सबले जाना हो जाए। विविध कार्यक्रमों के बीच मनाए जा रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत बुधवार का दिन गोरखपुर चिड़ियाघर के लिए बेहद खास होगा। इस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चिड़ियाघर में 2.5 माह पूर्व लाई गई सफेद बाघिन व्हाइट टाइगर गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में प्रवेश कराने के साथ तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा व्हाइट टाइगर को मुख्य बाड़े में प्रवेश कराए जाने के साथ ही पर्यटक अब इसका दीदार भी कर सकेंगे। सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। गोरखपुर में चिड़ियाघर स्थापित करने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही है। मार्च 2021 को उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। उनकी मंशा गोरखपुर चिड़ियाघर शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान को देश का नायाब चिड़ियाघर बनाने की है। उनकी ही पहल पर उनके दूसरे मुख्य मंत्रित्व काल में सरकार के 100 दिन की कार्य योजना में गोरखपुर चिड़ियाघर को व्हाइट टाइगर की सौगात देने का निर्णय लिया गया था। कार्य योजना पर अमल करते हुए 20 जून की रात गीता नाम की सफेद बाघिन को लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया। इस व्हाइट टाइगर को अनुकूलन के लिए पहले क्वारंटीन किया गया और फिर क्रॉल में रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंच व्हाइट टाइगर को क्रॉल से मुख्य बाड़े में रिलीज कर पर्यटकों को नई सौगात देंगे। चिड़ियाघर में आगमन पर सीएम योगी तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी करेंगे। तेंदुए के बच्चे चिड़ियाघर के अस्पताल में रखे गए हैं। इसके साथ ही चिड़ियाघर प्रशासन की तैयारी कानपुर चिड़ियाघर से लाए जा रहे 2 हिमालयन ब्लैक बियर भालू को भी मुख्यमंत्री के हाथों बाड़े में रिलीज कराने की है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में कानून व्यवस्था, विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की नजीर बनाने का साथ
पशुओं के प्रति स्नेह भाव के लिए भी जाने जाते हैं। इसके पूर्व सीएम योगी 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे, तब उन्होंने हर और गौरी नाम के दो गैंडों को केला खिलाया था। सीएम ने दोनों गैंडों को प्यार से उनका नाम लेकर बुलाया तो वे बाड़े में उनके पास आ गए थे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की पावन नवमी व विजयादशमी पर प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। कहा, पर्व त्योहारों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सद्भावना को दे सर्वोच्च प्राथमिकता। सत्य, धर्म व न्याय के पथ पर चलने वालों की होती है सदैव विजय। उमंग से मनाए पर्व, कहीं भी उत्पन्न न हो भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति। सीएम योगी ने पांव पखारकर मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुमारी कन्याओं का विधि विधान से पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक का भी किया पूजन। आस्था के लहरों पर सवार होकर निकली गोरक्षपीठाधीश्वर की विजय शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी पर हुआ पारंपरिक आयोजन। अल्पसंख्यक समाज ने जोरदार स्वागत कर दिया। तुष्टिकरण के राजनीति करने वालों को करारा जवाब। सीएम योगी ने विजयादशमी की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, समाज को खोखला बना रही है राक्षसी प्रवृत्तियां। अलग अलग रूप में अलग अलग कालखंड में पैदा होती हैं अन्यायी और अत्याचारी ताकतें। कभी अधर्म के रूप में, कभी रावण के रूप में और कभी कंस, दुर्योधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के रूप में। विजयादशमी का पर्व सनातन हिंदू धर्म को सदैव सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की देता है प्रेरणा। धर्म के बारे में जानना है तो भगवान राम के चरित्र के बारे में जान लो। तिलकोत्सव कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले पीठ से जुड़े योगी, संत, पुजारी, पुरोहित आदि ने मंगल पाठ के बीच लगाया तिलक। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने लगाया तिलक, लिया आशीर्वाद। विजयदशमी पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी का किया विशिष्ट पूजन अनुष्ठान। करबद्ध होकर श्री नाथ जी और सभी देव विग्रहों की भी की परिक्रमा। और बुधवार को गोरखपुर चिड़ियाघर में सफेद बाघिन को बाड़े में भेजकर तेंदुओं के दो बच्चों का नामकरण करेंगे सीएम योगी। पर्यटक कर सकेंगे व्हाइट टाइगर का दीदार। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।